निहंग सिंह बाबा गुरबख सिंह जी शहीद सिख इतिहास का वह पन्ना जदों 30 हज़ार गाजियां नाल भिड़े सिख पंथ की रूहानियत के केंद्र बिंदु श्री दरबार साहिब वल हर हुक्मरान माड़ी अख रखता सी क्योंकि दुनियावी तख्त सदा ही अकाल के तख्त तो भय खांदे ते खांदे ही रहणगे। दसंबर 1764 ईस्वी विच सिख सरदार वख-वख मुहिमां वल लग गए। केंद्र पंजाब सिंघां तों लगभग खाली हो गया सी। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया 15 हज़ार सिंघां दे जत्थे समेत जवाहर सिंह की मदद लई दिल्ली पहुँच गया। उस समय कल्ला चढ़त सिंह ही सियालकोट विच मौजूद सी। सिंह सरहंद उपर कब्जा कर चुके सन। लाहौर का सूबा खालसा जी की ईन मन चुकया सी। यह खबरां अब्दाली तक भी अपड़ियां कि सिंघां ने दुरानियां नूं कुट कुट के अटक टपा दिता है। सो यह सुनहरी मौका देख के अब्दाली सत्तवीं वार दिल्ली हुकूमत की मदद करने 30 हज़ार गाजियां नूं लैके अफगानों तुर पिया। सरदार चढ़त सिंह ने अब्दाली नूं लाहौर लागे ही सख्त टक्कर दित्ती ते गुरीला युद्ध नीति राही अमृतसर के सारे इलाकों में खिलर गया। अफगानी पिछा करते हुए अमृतसर पहुँच गए। दरबार साहिब विच उस समय केवल 30 कु सिंह का जत्था सी। उन्होंने जथेदार सन निहंग सिंह बाबा गुरबख सिंह जी। बाबा जी पिंड लील माझे के वसनीक सन ते भाई मणि सिंह जी हथों अमृत छकिया सी। पक्के नितनेमी ते रहत मर्यादा विच परपक सिरड़ी सिंह सन। अब्दाली की आमद की सूह मिलने अणखीले जथेदार ने दरबार साहब की राखी लई तैयारियां आरंभ दित्तियां। सारा जथा शहादत की अणमुली दात देने लई गुरु साहब अगे तैयार बर तैयार होकर अरदास करन लगा। शहीद भाई रतन सिंह पंगू लिखते ने, हरिमंदर के हजूर इम खड़ करी अरदास, सतगुर सिखी संग निभै सीस केसन के साथ। इस अणकियासी जंग तो सिंह घबराए नहीं ते ना ही भजे, सगों गुरु रामदास जी के चरणों में सीस भेट करने गाजियां की उड़ीक करन लगे। एक पासे लोहे नाल लैस गाजी ते दूजे पासे सिंघां दे तन ते पूरे वस्त्र भी नहीं सन। कुछ सिंघां दे तेड़ केवल कशहरा ते तन ते हजूरिया मात्री सी। गाजियां कोल मारू हथियार तीर ते बंदूकां ते तोपां ते सिंघां कोल गुरु प्रेम दे सिर देण दा चा। अजकल दे अखौती दिमाग वरतण वाले हुंदे तां शायद उत्थों भज जांदे, तर्क बेतर्क करके अपनियां जानां बचा लैंदे ते कहिंदे कित्थे कृपाना तोपां, साडा उन्हां नाल की मुकाबला हो सकता है। पर वो इस भेड़नुमा बिरती दे दुनियावी मनुख नहीं सन। वह तो दशमेश पिता जी का नादी खालसा सी। जदों अकाल ही अकाल गुरबर अकाल दे जकारे गूंजे तो गाजियां नूं बाबा दीप सिंह जी का प्रसंग याद आ गया ते वह एक दूजे तो पिछे भज्जन लगे। गाजी जदों परिक्रमा च दाखल होए तो कल्ला कल्ला सिंह उन्हां नूं काल बन के टकरिया ते सैकड़ियां दे नाल जूझदा सिंह शहीद हुंदा गया। गाजी भय भीत हो चुके सन। जदों सारे सिंह शहीद हो गए तो बाबा जी ने तेगा लैके वैरी दे सिर ते धमके शरीरां नूं संजोआं सहित चीरन लगे, अगे वधन लगे। वैरी ढाल दा आसरा लै लैंदे सी पर गुरु के खालसे ने ढाल भी छड़ दित्ती ते आख्या कि हुण मूँह लुका के नहीं सनमुख होकर लड़ांगे। लड़दियां लड़दियां अरदास फतेह करते हुए अंत बाबा गुरबख सिंह जी निहंग अकाल बुंगे लागे छेवें सतगुरों के चरणों च शीस कुरबान करके सिखी केसा सुवासा संग निभा गए। इस पिछों गाजियां ने दरबार साहब के तोपां नाल हमला कर दिता ते उन्हां विच्चों एक इट अब्दाली दे नक ते वजी ते वह उसे ही जख्म का नसूर बन के मर गया। बाबा जी की शहीदी स्थान अकाल तख्त साहब के पिछले पासे बनया होया है जिथे रोज़ लखां ही संगतां नतमस्तक होंदियां हन। यह लसानी इतिहास वैरियां च डर भरदा है कि दरबार साहब वल उठी हर कहरी अख कढ दित्ती जांदी है ते हर सिख नूं बिना किसी डर भय के लड़न मरन की प्रेरणा दिंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।